वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदी प्रेगनेंसी कॉर्नर में एक नई वीडियो के साथ, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। प्रेगनेंसी के दौरान सोने का सही तरीका होना बेहद जरूरी है, और किस तरीके से आपको प्रेगनेंसी के दौरान सोना चाहिए उस बारे में बात करते हैं। यदि आप सही तरीके से नहीं सोएंगी तो आपको नींद भी अच्छे से नहीं आएगी। वैसे भी प्रेगनेंसी में नींद जल्दी नहीं आती है। आपका बढ़ता हुआ बेबी बंप आपकी नींद में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसलिए हमेशा उल्टे हाथ की ओर करवट लेकर ही सोएं। ऐसा करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है और शिशु तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी पहुंचती है। जब भी उठें, हमेशा अपने हाथों का सहारा लेकर ही उठें। सोते समय भी आराम से पहले बैठें, उसके बाद हाथों की सहायता से सोएं। कभी भी ना ही झटके से बैठें और ना ही झटके से उठें। दिन में ज्यादा ना सोएं, वरना रात में जागना पड़ सकता है। मसालेदार खाना, शाम के बाद ज्यादा पानी पीना, आपको बार बार यूरिन आएगी, इसलिए इन बातों के प्रति सावधानी रखें। शाम के खाने के बाद पैदल चलें, इससे आपको अच्छे से नींद आएगी। रात को सोने से पहले हल्के गुनगुने पानी से नहा लें, इससे आपकी पूरे दिन की थकावट दूर हो जाएगी और आपको बेहतरीन नींद आएगी। सोने से पहले मोबाइल को अपने से दूर रखें, ये आपकी नींद में बाधा डालने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि आपके लिए पूरी नींद लेना बहुत ही जरूरी है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में रेड बेल बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा नए नोटिफिकेशंस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।